नमस्कार साथियों, प्रीत एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। तो आज का टॉपिक है फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये पांच सूत्र किसने दिए, कब दिए, इन सब की चर्चा करेंगे। देखो, आज पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। पुस्तकालय विज्ञान में ये पांच सूत्र नहीं होते, तो एक अच्छे पुस्तकालय की कल्पना असंभव थी। तो इन सब की बात करेंगे, कौन कौन से पाँच सूत्र है। सबसे पहले बात करेंगे इनका प्रतिपादन कब हुआ। प्रतिपादन की बात करें, फाइव लॉज का प्रतिपादन कब हुआ, तो प्रतिपादन हुआ था 1928 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। रंगनाथन कहाँ किया गया, मीनाक्षी कॉलेज एन्नामलाई नगर तमिलनाडु में इनका प्रतिपादन किया गया। एक बार फिर देख लेते हैं, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमारा टॉपिक रहेगा। प्रतिपादन, इन पांच सूत्रों का प्रतिपादन किया था 1928 में, किसने किया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। कहाँ किया, मीनाक्षी कॉलेज एन्नामलाई नगर तमिलनाडु में। इसके आगे बात करें, इन जो पांच सूत्र हैं इनका मतलब प्रकाशन पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ था 1931 में। प्रकाशन पुस्तक के रूप में हुआ था 1931 में, इनका प्रकाशन हुआ था पुस्तक के रूप में। पुस्तक का नाम क्या था, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में इनका प्रकाशन हुआ। अब दोस्तों, इसकी प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना किसने लिखी थी इसकी, तो प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना लिखी P.S. शिवास्वामी। इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी थी P.S. शिवास्वामी ने लिखी थी। आगे बात करेंगे इसकी भूमिका की बात करें, तो भूमिका लिखी थी W.C. बेरबिक सेयर्स ने इसकी भूमिका लिखी थी, ठीक है। और इस पुस्तक का जो पुनः मुद्रण भी आया था, रिप्रिंट बोले पुनः मुद्रण 1957 में आया था। 1957 में इस पुस्तक का पुनः मुद्रण आया था। आगे बात करें तो इसका ऑनलाइन स्वरूप आया था 2006 में इस पुस्तक का ऑनलाइन स्वरूप भी आया था। अब बात करेंगे वो पांच नियम है कौन से पांच सूत्र हैं वो। तो पहला सूत्र की बात करेंगे, पुस्तकीय उपयोगार्थ है। आगे बात करेंगे दूसरे सूत्र की बात करें, तो दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये दूसरा सूत्र है। तीन नंबर सूत्र की बात करें, तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये तीन नंबर है। चार नंबर सूत्र है, प्रत्येक पाठक का समय बचाओ, ये चौथा सूत्र है। पांचवें सूत्र की बात करें तो पांचवा सूत्र है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ये पांच सूत्र थे जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। फिर बात करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे को। आज का हमारा टॉपिक था पुस्तकालय लाइब्रेरी, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र। प्रतिपादन की बात करें, तो प्रतिपादन 1928 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इनका प्रतिपादन किया गया। कहाँ किया गया, मीनाक्षी कॉलेज एन्नामलाई नगर तमिलनाडु में। और इन पांच सूत्रों का जो प्रकाशन एक पुस्तक के रूप में 1931 में किया गया, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इस पुस्तक का नाम था। इसकी प्रस्तावना, इस पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी थी P.S. शिवास्वामी ने लिखी। भूमिका की बात करें, W.C. बेरबिक सेयर्स ने। रीप्रिंट की बात करें, इसका रीप्रिंट आया था 1957 में और इसका ऑनलाइन स्वरूप 2006 में आया था। अब ये कौन कौन से पांच सूत्र हैं, तो पांच सूत्र की बात करें। पहला सूत्र है
पुस्तकीय उपयोगार्थ है, ये पहला सूत्र है, पुस्तकीय उपयोगार्थ है मतलब पुस्तकीय उपयोग के लिए। दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये दूसरा सूत्र है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये दूसरा है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये तीन नंबर सूत्र है। चार नंबर की बात करें पाठक का समय बचाओ, मतलब ये चार नंबर है। पाँच नंबर की बात करें पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था, ये पाँचवा सूत्र है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। थैंक यू।